हम ये संघर्ष कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है बात। सरकार को सोचना चाहिए कि इतना किसान मर रहा है। अब दिल्ली में 200-300 किसान शहीद हो गए हैं और सरकार ने बिल्कुल नहीं अभी तक हमारी बात सुनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। अभी हम राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के घरसाना में हैं और यहां पे आज किसानों ने अपनी महापंचायत बुलाई है। और घरसाना में जो होने वाली ये जो महापंचायत है, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस जमीन का और यहाँ पे किसान आंदोलनों का अपना इतिहास रहा है और ये जो है किसान आंदोलनों को नया जीवन और नया मोड़ हमेशा से देता रहा है। हमने यहाँ पे कुछ किसानों से बात की है और जानने और समझने की कोशिश की है कि राजस्थान में ये जो किसान आंदोलन है वो किस तरीके से करवट ले रहा है। 3 महीने से किसान को आंदोलन चल रहा है और उसमें आज घरसाना में ये प्रोग्राम है, तो इसमें मैं भी शामिल हुआ हूँ। और हमारी मांग सरकार से यही है कि ये तीनों कानून, काले कानून वापस लिए जाए और MSP को कानूनी गारंटी दी जाए। बड़े किसानों को यानी कि सरकार सीधा फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कोई इतने कौन सी इमरजेंसी थी कि जो कोविड के अंदर ये कानून लाने पड़े इनको। रेलो बैंको बीमो, अब इस कोरोना में देश के किसान की जमीन पे गरीब के राशन में अंबानी अडानी को उस भोजन को साइको गोदामों बंद करके लूटने का जो काम करने का जो इरादा है, निश्चित रूप से उनका जवाब इस देश की जनता ने देने का काम किया है। आंदोलन किसानों ने जरूर शुरू किया था, लेकिन आज एक एक इस देश का मेहनत कश इस आंदोलन के साथ खड़ा है। अब किसान के बारे में ये नहीं सोचते कि इसके ऊपर इतना कर्ज है, उसका कोई कर्जा माफ किया जाए या ब्याज उसका छोड़ा जाए, वो नहीं इनका सोचते हैं किसी भी किसान का। और हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है आंदोलन के सवा। भूख मरते आंदोलन ही करें। शाहीन बाग हुआ था तब भी उन्होंने यही बोला था कि ये पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चाइना से हो रही है, और ये किसान आंदोलन के साथ भी हो रहा है। किसान आंदोलन को बदनाम करने का पूरा प्रयास गवर्नमेंट करती है, अपनी तरफ से हर कोशिश करती है। अभी वो अपने जो प्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, उनको गांव में भेजती है कि आप किसानों को समझाओ, जबकि किसान 3 महीने से 3-4 बॉर्डरों में बैठे हैं। क्या उनको इतनी समझ नहीं है? बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है, बड़े बड़े गोदाम आ गए हैं। आने वाले टारगेट होगा या तो भारत सरकार इन गोदामों को अधिग्रहण कर ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि इन गोदामों को, इन जनता को तोड़ने पड़ेंगे। गोदाम थोड़े हैं, सहारनपुर के अंदर फैक्ट्रियां थोड़ी है, छुट्टे इनके छप्पर बनेंगे, गांव में पशुओं के छप्पर बनेंगे इनके गोदामों की छत पे। या तो इनको सरकार अधिग्रहण कर ले, किसी व्यापारी के गोदाम देश में नहीं बनेंगे, भूख पे देश में व्यापार नहीं होगा। नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये अनाज को तिजोरी में बंद करो, रोटी को तिजोरी में बंद करो, भूख के आधार पर देश में कीमतें तय करो, ये नहीं होगा। किसान नेता कह रहे हैं कि किसान बड़ी संख्या में शाहजहांपुर जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, बड़ी संख्या में जितने किसान हैं भूख मरते सभी इकट्ठे होंगे, चाहे कोई पिछड़ा वर्ग है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे किसान तो है ही, मजदूर किसानों के साथ हैं, छोटा जैसे वर्ग है, दुकानदार है, सभी भी जाएंगे। क्या करेंगे, जो कुछ हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है आंदोलन के सवा, और क्या करेंगे। Thank you.